आज ये मैम बना रही है मटर पनीर की सब्जी, पतंजलि का एक मस्टर्ड ऑयल डाल रही है। ये कुछ सब्जियां कटी रखी है, आलू है, टमाटर है, इसके अलावा पनीर है, हरी मिर्च, धनिया, बटर, ये कुछ स्पाइसेस, और यहाँ पर ये ऑयल गरम कर रही है। हम लोग स्पेशल डिश बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, उसके बाद में कुछ स्पेशल करेंगे। जीरा कौन सा है? ये वाला? थोड़ी सी हल्दी और टमाटो। क्या खुशबू आ रही है, अभी फिलहाल इसको ये रख लेता हूँ। तो एक होती है ग्रेवी वाली मटर पनीर, मुझे ग्रेवी वाली से ज्यादा अच्छी हल्दी पानी वाली लगती है, कुकर वाली लगती है। हल्दी पानी वाली हल्दी तो उसमें भी डालती है, पानी नहीं होता उसमें, पानी नहीं होता, पानी डालना पड़ता है, थोड़ा बहुत डालना पड़ता। मुझे ग्रेवी वाली पसंद है। अच्छा, मिर्ची का भी काम नहीं है, इसमें जरा आलू से पानी भर देना थोड़ा। देखिए हमारी कितनी अच्छी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने धनिया पाउडर और मिक्स किया था, उसके बाद में हम डाल देंगे इसमें आलू। उसके बाद में डाल देंगे इसमें हम मटर। शायद तुम मटर पनीर पहली बार खाओगे मेरे हाथ की। यस। तुम छोले खा चुके हो, राजमा खा चुके हो, मटर पनीर नहीं खाई ना अब तक? राजमा भी नहीं खाया मैंने। हाँ राजमा खा चुका हूँ। हाँ, मैं हाँ, जब मैं वहाँ आया था, लेकिन यहाँ नहीं बनाया अभी। यहाँ नहीं बनाया। अब हम डाल देंगे पनीर। Which I don't like. Oh, very good. हम ज्यादा इसको चलाएंगे नहीं, वरना हमारा पनीर टूट जाएगा। पानी दूं? यस, इसमें दे दूं पानी। हे गाइस, सो जो मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी वो काफी ज्यादा इनको, मम्मी पापा जी को पसंद आई थी बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा अच्छी बनी। और फाइनली हम लोगों का पेट भर चुका है और हम लोगों को अभी एक पल के लिए आलस भी आ गया, तो फाइनली हम रेडी हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं ताजमहल के लिए। सो लेट्स गो, इनके साथ में ताजमहल में पहली बार जा रही हूँ, सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। बाय। लिखा है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो गाइज, अभी हम लोग आए हुए हैं ताजमहल के अंदर और देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, कितना ज्यादा ओवर क्राउडेड है, आप देखते जाइए। क्या कहोगे ताजमहल की इस भीड़ को देखते हुए? इतना भीड़ हो गई है और मैंने भी साथ पहली बार ताजमहल देखा है।
आता है तो मेरे पहले फट गया। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी अभी हमने पहले फाड़ भी दिया। एक पैर का साइड से फट रहा। मेरे तो ये दोनों सही है। चलो रबड़ मान लिया। तो गाइस वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ पर मेहताब बाग है ताज महल के उस साइड में। वहाँ पर अक्सर टीवी शोज की एंड मूवीज की शूटिंग हम लोगों को देखने को मिल जाती है। और वहाँ से भी ताजमहल का बहुत ही प्यारा व्यू मिल जाता है। बीच में ही यमुना रिवर है। तो गाइस अभी हमने ये गोलगप्पे खाए हैं एक एक प्लेट। अभी हम भल्ला ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग पाव भाजी ट्राई करेंगे, उसके बाद में फिर मुझे बुलेट चाहिए। वहाँ पर हम लोग कॉफी पीने वाले हैं। कैसा रहा मैम आज का दिन? बढ़िया। सो फार सो गुड।